हेलो गाइस, वेलकम इन टू आवर क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी जो आपका लेटेस्ट में SSC-CHSL रिलेटेड प्लस टू लेवल का एग्जाम चल रहा है, उसकी जो क्वेश्चंस अभी हमने जो डिस्कस किया था, उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे वो आप लोगों ने जो हमारे साथ शेयर किया है, तो उन क्वेश्चनों को लेकर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कि उन क्वेश्चनों के भी मैं सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि वो क्वेश्चंस जो रिमेनिंग थे वो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सोनू की एक मशीन 65 लाख में घाटे में से, यानी जब सोनू एक मशीन को 65 लाख रुपए में बेचता है तो उसको घाटा होता है। यदि वो 77 लाख रुपए में बेचे तो उसको उसका जो लाभ है उसके घाटे का 5 गुना हो जाता है। यानी जब स्टार्टिंग में 65 लाख रुपए में बेचे तो उसको घाटा हो रहा है, 77 लाख रुपए बेच रहा है तो उसको जो उसका प्रॉफिट है, जो उसका लॉस है, लॉस पहले था उसका 5 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कह लेंगे कि ये सीपी है, ये इसका सीपी है। सीपी देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसको लॉस हो रहा था, जब कितने बेच रहा था 65 लाख में, जब 65 में बेच रहा था तो उसको एक्स का लॉस हो रहा था, और जब वो 77 में बेच रहा है तो उसको 5 गुना उसके जो लॉस होता है उसका 5 गुना उसको प्रॉफिट हो रहा था। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, ये 12 का अंतर हो गया, और ये अंतर कितना हुआ, यहाँ पे जो उसने इंक्रीमेंट किया वो 6x का इंक्रीमेंट किया, तो ये 6x ही क्या है, 12 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे इसमें जो CP इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 67 लाख। तो जो हमारा जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 67 लाख हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को हमें क्या CP ले लेना और उसके दोनों तरफ से हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि उसका रिलेशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो बिंदु -1 और -10 और एक 5 और 6 के बीच का एक रेखाखंड है वो x अक्ष को किसी अनुपात में कट कर रहा है। सॉरी गाइस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आर -1 एंड -10 एंड 5 एंड 6 आर इंटरसेक्ट टू x एक्सेस, देन फाइंड द रेशियो कि वो किस रेशियो में उसको कट करेगा। तो यहाँ देखिए हम कहते हैं कि ये होगा एक, ये इसका पॉइंट ए हो गया जिसका गियो -1 एंड -10, और इसका जो बी पॉइंट हो गया ये कितना हो गया 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये इसको के और 1:k में कट कर रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहें तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स को कट रहा है, सॉरी एक्स एक्सेस को कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो हम एक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, यानी इस पॉइंट के निर्देशांक निकाले तो क्या हो जाएगा इसी रेशियो को, तो यहाँ पे देखिए 5k -1/k+1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6k -10/k+1। ये इस पॉइंट के इस फार्मूले से हमने क्या निकाल दिया, कोऑर्डिनेट यानी उसके जो निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि x1k -x2/k+1, तो उस फार्मूले से यहाँ पे हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अब देखिए ये कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पे x एक्स कट रहा है, x एक्सेस को जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो हम देखिए y कोऑर्डिनेट को अगर 0 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 6k -10/k+1, तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करें तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k = 5/3। तो ये जो k की वैल्यू आ गई 5/3, और ये जो x एक्सेस है वो किस रेशियो में कट कर रही है, k = 1 में, तो k की वैल्यू है 5/3:1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5:3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक है कि एक जो नंबर दे रखा था ये इसको डेसिमल नंबर कहते हैं, ये रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल को हमें फ्रैक्शनल नंबर पे कन्वर्ट करना था, यानी भिन्न में बदलना था। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या सिंपल करना होता है कि यहाँ पे हम पहले चेक कर रहे थे कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पे 09090 9 एंड एड्रेस, यहाँ पे देखिए इसको कह रहे हैं एक्स है, तो यहाँ पे देखिए रिपीटिंग डिजिट क्या है, 2 डिजिट। तो यहाँ पे जितने रिपीटिंग डिजिट, अगर एक डिजिट होते रिपीटिंग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 पे जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने 0 यहाँ पे लगाते हुए चले जाएंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो यहाँ पे 3 जीरो लगाते, अगर 1 डिजिट रिपीट होता तो 1 जीरो लगाते। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 जीरो लगाए, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें दो बोथ साइड, तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा 9 पॉइंट, इधर मल्टीप्लाई तो 9.0909, और इसी प्रकार
ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 99x और इधर बचेगा 9, ये सारे जो रिमेनिंग पोर्शन है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओनली 9 बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 1/11। तो ये इसका आंसर, यानी x की वैल्यू क्या 1/11 और ये x यही वैल्यू तो थी, ये इसकी क्या हो गई फ्रैक्शनल नंबर हो गई, यानी इसकी भिन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो जगह के जो बीच का भाड़ा है यानी इसका जो फेयर है किराया वो 3:7 है, यानी स्टार्टिंग में 3 था फिर क्या बढ़ा के 7 कर दिया गया। तो यहाँ पे कहें कि ये इनिशियल और ये फाइनल, तो जो इनिशियल है 3 और फाइनल है 7, और यदि मूल भाड़ा यानी उसके स्टार्टिंग का भाड़ा क्या 276, यहाँ पे 276 है 276 रुपए है, तो उसका इंक्रीमेंट फेयर कितना होगा 276। देखिए यहाँ पे देखिए इनिशियल कितना था 276, तो 3 ही क्या है 276, यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 92। तो अब हमें कितना इंक्रीमेंट किया, देखिए यहाँ 4 का इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट फेयर कितना हो जाएगा 4 × 92 तो हो जाएगा 8 × 9 368। तो ये इसका आंसर की 368 रुपए से उसने अपना किराया बढ़ा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था 3 था, बाद में कितना हो गया 7, तो कितने से बढ़ाए 4 से, तो यही इसका 368 उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और उसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी देखिए अगर ये कोई एक समलंब ठोस बेलन बना दें, ये एक बेलन हो गया, तो इसकी अगर लंबाई ये ऊंचाई कह रहा है तो ऊंचाई ये हो गई h, अगर इसको ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, अगर इसको वर्टिकल बना दिए थे ये वर्टिकल, इसका वर्टिकल हो गया, तो h की क्या हो गई 4 मीटर, ये इसकी क्या हो गई हाइट हो गई। अब दोनों सिरों की जो इसका एरिया है, दोनों सिरों का एरिया कितना हो जाएगा 2 × πr² ये किसके इक्वल हो जाएगा उसके वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × h, ये इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों का इक्वल, देखिए 2π 2π कैंसिल और r इक्वल टू क्या हो गया h, तो r की वैल्यू जो आ जाएगी 4 मीटर। तो यही इसका आंसर, यही आपसे त्रिज्या ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि एक वस्तु का अंकित मूल 5% की छूट देकर 950 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल क्या होगा। देखिए जब 5% का डिस्काउंट दिया जाता है, अब हमें मालूम कि डिस्काउंट किस में दिया जाता है, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस यानी अंकित मूल पे दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 5% का डिस्काउंट है, तो हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 1/20, ये हमारा 20 क्या हो गया मार्क प्राइस और ये हमारा 1 क्या हो गया डिस्काउंट। तो जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस हम निकाले सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 20 − 1 तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 19। जब सेलिंग प्राइस 19 और ये 19 ही क्या है 950, तो एक इक्वल टू कितना हो गया 50। अब हमें चाहिए उसका जो मार्क प्राइस है यहाँ पे 20 × 50, तो जो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपीज। तो जो इसका मार्क प्राइस आ गया वो 1000 रुपया हो गया, और यही इसके यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी मूल्य पर 20% का लाभ हो तो लागत मूल पर परसेंट लाभ क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया परसेंटेज प्रॉफिट वो कास्ट प्राइस पे ना देके सेलिंग प्राइस पे दे दिया, तो हमें मालूम कि जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो कितना प्रॉफिट अपॉन CP × 100 होता है, लेकिन यहाँ पे CP ना दे, क्यों कह रहा है कास्ट प्राइस विक्रय मूल्य यानी उसका जो सेलिंग प्राइस उसमें है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी P/SP × 100, तो इसको अगर हम 20% है तो यहाँ पे 20% गेन, तो इसको हम ये कन्वर्ट करके P/SP क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 20% कन्वर्ट करें तो 20 और ये 100 इधर चला जाएगा, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/5। तो यहाँ पे देखिए SP कितना हो गया 5, SP 5 है तो प्रॉफिट कितना है 1 का, तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस SP माइनस प्रॉफिट, तो 5 − 1, तो CP की वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ पे 4 हो जाएगी। जब CP की वैल्यू 4 है तो और हमें क्या चाहिए उसके CP में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट 1 का हो रहा है, CP हमारा 4 है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको जो प्रॉफिट हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ कह रहा है कि ए बी से 30% अधिक सक्षम है, यानी जो ए को काम करता है वो बी से 30% अधिक काम करता है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन निकालें कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो 130/100, यानी इसको लिख सकते 13/10। अब अगर एक काम को बी सॉरी एक काम को ए 20 दिन में कर सकते, तो देखिए जो वर्क है ए का वर्क कितना है 13 × 20। तो अब देखिए जो ए और बी मिलकर उस काम कितने दिन पूरे करेंगे, तो ये इनका क्या इफिशियंसी यानी एक दिन की काम करने की क्षमता, तो दोनों की एक दिन की काम करने की क्षमता यानी उनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा टाइम आ जाएगा दोनों के द्वारा जो करना है काम उसका जो ये आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पे देखिए इफिशियंसी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 13+10 तो ये हो जाएगी 23। तो जो हो जाएगा इनके काम जो दोनों के द्वारा काम पूरा करने में लगा समय हो जाएगा 260/23। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमें दिया है कि 225 है। तो हम कह दें कि जो हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हैं अगर हम लेट कर लें 3 क्रमागत संख्याएं, एक तो देखिए 5x हो गई, दूसरी हम लिए 5x-1 और तीसरी हो गई 5x+1। इन तीनों संख्याओं का जो योग है 225 है, तो यहाँ पे जोड़ दें तो ये 5x+5x-1+5x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 225। तो यहाँ से देखिए 5 कॉमन ले तो x+x-1+x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 225/5 तो हो जाएगा 125। तो यहाँ से देखिए क्या 3x इक्वल टू क्या हो गया 125, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा x की वैल्यू 45 हो गया। तो अब हमें चाहिए अरे गाइस यहाँ पे 125 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 45 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे गलत। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 यानी जो 3x की वैल्यू आ जाएगी 3x की वैल्यू हो जाएगी 45। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर 225 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा और इधर कितनी वैल्यू देखिए 1 से 1 कैंसिल तो इधर क्या हो जाएगा 3x, तो 3x इक्वल टू 45 तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 15 हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर तो देखिए क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 5x तो हो जाएगी 75, दूसरी क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे 15-1 तो 14, तो एक हो जाएगी 70 और एक हो जाएगी 80। देखिए ये तीन नंबर क्या हो गई 70, 75 और 80। देखिए तीन क्रमागत संख्याएं होगी जो 5 से डिविजिबल है, देखिए जिनके लास्ट में 0, 5 नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 5 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि x+1/9x=4 देन द वैल्यू, हमें वैल्यू बताना कि 9x²+1/9x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 3x कर दें तो यहाँ पे स्क्वायर करने पर 9x² आ जाएगा। देखिए 3x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 3x/3x= क्या हो जाएगा 12, और बोथ साइड स्क्वायर कर दें इधर देखिए हो जाएगा 9x² + यहाँ पे हो जाएगा 9x² = इधर स्क्वायर करेंगे तो 144 और -2, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 142 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कहा कि एक त्रिभुज के अंतः केंद्र आई है और त्रिभुज एबीसी 90 डिग्री है, तो ये हो गया देखिए एक त्रिभुज हो गया जो समकोण त्रिभुज है, एक अगर एक एंगल 90 डिग्री होती है 90 डिग्री। ए बी सी कह रहा कि ए सी बी एंगल क्या है 70 डिग्री, तो इसका अंतः केंद्र पर बनेगा। देखिए इसका अंतः केंद्र क्या होता है, जो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं वो उसका क्या होता है अंतः केंद्र। तो जो कोणों के समद्विभाजक हो गए यहाँ पे मिल रहे हैं आई पे, तो बताना है कि ए आई सी की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 और ये वैल्यू यहाँ पे 90, 70 तो ये हो जाएगी 20, तो ये आधे कितनी हो जाएगी 10 डिग्री, तो ये एंगल हम बताना है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो 180-10-35। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 135 इसका आंसर। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे तो 135 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पे एंगल को डिवाइड करके दो भागों में बांट करके निकालिए, एक हम डायरेक्ट यहाँ से जो अंतः केंद्र
जो अंतर्वृत्त केंद्र होता है उसमें जो कोण बनता है उसकी जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे एंगल ए आई सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 प्लस इसके जो अपोजिट साइड में एंगल बन रहा है उसका हाफ कर दें तो एंगल बी डिवाइड बाई टू, यहाँ से भी देखिए 90 प्लस आ जाएगा 90 का हाफ 45, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री। तो एक इस फार्मूले की हेल्प से आप कर सकते हैं और एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये दो मेथड है आपको करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ कह रहा है कि यदि x 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x तो हमें वैल्यू था x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या, तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, तो इधर 3x को इधर लें 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 2, तो हमें देखिए थ्रू 3 से डिवाइड कर हो जाएगा x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 2 बाई 3। अब देखिए बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 4 बाई 9, तो 2 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो प्लस में होगा और ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 9, इसको जब प्लस करेंगे इधर प्लस भी होगा और 18 4 22, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 22 डिवाइड बाई 9। ओके गाइस आज की वीडियो में बस इतना, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे हमें मालूम चलता है कि हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए और वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ओके गाइस अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।